दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हैप्पी फूड्स की एक नई वीडियो में। मेरा नाम है संदीप यादव। दोस्तों, आज की वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग होने वाली है उन लोगों के लिए जो फास्ट रखते हैं, अच्छा भोजन करना चाहते हैं फास्ट के दौरान, ये ऐसा फूड शामिल करना चाहते हैं जो उनको कम कैलोरीज दे, अच्छा प्रोटीन दे, अच्छा कार्बोहाइड्रेट दे, फैट कम प्राप्त हो, ताकि वो फास्ट रखने का जो उनका मोटिव है, जो उद्देश्य है, उसको पूरा कर सकें कम कैलोरीज के साथ, अच्छे पोषक तत्वों के साथ, अच्छा वेट मैनेजमेंट कर सके, या अन्य जो उनके प्रयोजन है व्रत रखने के उनको वो पूरा कर सके, या वो लोग जो डायबिटिक पेशेंट है एक अच्छा फूड शामिल करना चाहते हैं अपनी डाइट में जिसमें अच्छे पोषक तत्व हों और उनकी डायबिटिक को परेशान ना करें या डिस्टर्ब ना करें, या वो लोग जो हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है उनको भी कुछ अच्छा ऐसा फूड चाहिए होता है ताकि वो उनका ब्लड प्रेशर सस्टेन रह सके या मेंटेन कर सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में ऐसे ही मैं ड्राई फ्रूट को शामिल करने जा रहा हूँ जो अपने आप में गुणों का भंडार है। दोस्तों, बात कर रहा हूँ मैं मखाने को लेकर, यानी कि फॉक्स नट को लेकर। आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि मखाना हमारे लिए कितना फायदेमंद है और किस तरह से हमारे शरीर को ये फायदा पहुंचाता है। दोस्तों, अगर सबसे पहले जैसे हर वीडियो में हम चर्चा करते हैं किसी भी फूड को लेकर कि उसमें कितनी कैलोरीज होती है, अगर सबसे पहले बात करें मखाने में कि हमें कितनी कैलोरीज प्राप्त होगी, तो इससे लगभग आपको 350 कैलोरीज प्राप्त होती है। दोस्तों, अगर बात करें इससे मिलने वाले कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट इसमें बहुत अच्छी मात्रा में, लगभग 76 ग्राम प्रति 100 ग्राम से आपको कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होगा। अगर बात करें इससे मिलने वाले प्रोटीन की, तो लगभग आपको 9 से 10 ग्राम इससे प्रोटीन प्राप्त होगा। बात करें फाइबर की, तो दोस्तों लगभग 14 से 15 ग्राम आपको फाइबर प्राप्त होता है जो आपकी सेहत के लिए अच्छा है। फैट की बात करें, जैसे मैंने कहा इसमें फैट बिल्कुल कम पाया जाता है, 0.1% ना के बराबर इसमें फैट है। कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो इसमें 0 कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। अपने आप में उन लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है जो फैट का सेवन नहीं करना चाहते, बनिस्पत उसके वो अन्य मिनरल्स अपनी डाइट में शामिल करना चाहते हैं, तो उनके लिए बेहद अच्छा आहार है। दोस्तों, अगर बात करें ग्लाइसेमिक इंडेक्स की, जैसा हर वीडियो में बताता हूँ, ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो लोड होता है या वो शो करता है कि कौन सा फूड आपके ब्लड शुगर को बढ़ा सकता है। जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स मध्यम श्रेणी का है या कम श्रेणी का है, डायबिटिक पेशेंट उसका आसानी से सेवन कर सकते हैं। जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है उसका सेवन उनको नहीं करना चाहिए, वो उनकी ब्लड शुगर को बढ़ा देगा। तो दोस्तों, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स अपने आप में कम रेंज का है, लगभग 55 के आसपास पाया जाता है जो मध्यम श्रेणी में आता है। डायबिटिक पेशेंट इसका आसानी से सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें इससे मिलने वाले मिनरल्स की, तो कैल्शियम अपने आप में इसमें अच्छी मात्रा में है, आयरन अच्छी मात्रा में है, पोटेशियम अच्छी मात्रा में है, मैग्नीशियम इसमें अच्छी मात्रा में प्राप्त होता है। दोस्तों, इसमें एक सबसे अच्छा तत्व है जो अगर फायदे की बात करें इसके, तो इसमें एंटी एजिंग एजेंट पाया जाता है। जिन लोगों की स्किन पे झुर्रियां दिखाई देती है या एजिंग ज़्यादा झलकती है, उनके लिए बेहद कारगर है। अगर आप लंबे समय तक नियमित रूप से इसका सेवन करेंगे, तो ये विशेष तौर पे आपकी झुर्रियों को, आपकी स्किन के डलनेस को ख़त्म करेगा। एक तरफ तो एंटी एजिंग एजेंट है, इसमें एंटी ऑक्सीडेंट है जो आपकी स्किन को बहुत अच्छे से फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। वो लोग जो व्रत रख रहे हैं, व्रत के दौरान उनको चाहिए कि कम फैट वाला भोजन हो, कैलरीज कम हो, अच्छे पोषक तत्व हों, तो उनको इसका सेवन करना चाहिए। आराम से आप दूध में मिला के इसका सेवन कर सकते हैं, या चाय के साथ जो भी आप ड्रिंक ले रहे हैं जो अपने आप में हेल्दी हो, उसके साथ इसका सेवन कर सकते हैं। अपने आप में इसके नायाब फायदे हैं, प्रोटीन आपको मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट ऐसा होगा कि धीरे धीरे डाइजेस्ट होगा आपकी बॉडी में, हंगरी फील नहीं कराएगा बहुत देर तक, तो आप कम कैलोरीज का इंटेक करेंगे, फैट बिल्कुल नहीं होगा, बहुत फायदेमंद होगा व्रत के दौरान इसका सेवन करना। वो लोग जो अपना वेट मैनेजमेंट करना चाहते हैं, जैसे मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट है इसमें, फैट बिल्कुल नहीं है, प्रोटीन है, अन्य पोषक तत्व हैं, मिनरल्स हैं, वो आपको बहुत फायदा देंगे। फाइबर की बात करूँ, फाइबर अच्छी मात्रा में है, तो ये सब गुण मिलकर आपको हंगरी फील नहीं कराएंगे और आपको लंबे समय तक अच्छी, मतलब कम कैलरीज के साथ अच्छा वेट मैनेजमेंट करने में मदद करेंगे। कैलरीज कम है, बहुत फायदा मिलेगा वेट मैनेजमेंट करने वाले लोगों के लिए। दोस्तों, अगर बात करें जिन लोगों में हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है, इसमें पोटेशियम होने की वजह से, मैग्नीशियम होने की वजह से उनका ब्लड प्रेशर मेंटेन करने में ये बहुत मदद करेगा दोस्तों। और वो लोग जो कोलेस्ट्रॉल की बीमारी से परेशान है, इसमें अपने आप में 0 कोलेस्ट्रॉल है, फैट बिल्कुल नहीं है, तो उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल अपने आप में कम करने में ये हेल्प करेगा। फाइबर है, फाइबर आपका डाइजेशन सिस्टम यानी कि जो आपका मेटाबॉलिज्म है उसको बूस्ट करता है। मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा,
ब्लड शुगर आपके शरीर में कम होगा, डायबिटिक की दहलीज पर है तो डायबिटिक में आपको फायदा मिलेगा, बहुत सारी हार्ट डिजीज में आपको फायदा मिलेगा। तो ये ऐसे पोषक तत्व हैं जो आपके लिए बेहद फायदेमंद होते हैं, जिनको आपको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। उनसे भरपूर है मखाना। मखाना अपने आप में बहुत सारे पोषक तत्व लिए हैं। अगर आप स्टडी करेंगे देखेंगे पाएंगे कि मखाने को पोषक तत्वों का मिनरल्स का भंडार कहा जाता है। वही वजह है कि इसके अपने आप में वैल्यूज इतनी ज़्यादा है। कैल्शियम मैंने बताया, कैल्शियम बहुत अच्छा है, वो महिलाएं जो प्रेग्नेंट है उनके बच्चे के लिए, उनके अपने स्वास्थ्य के लिए ये अपने आप में बेहद अच्छा आहार हो सकता है, उनके बच्चे के विकास के लिए और उनके स्वयं के लिए। तो दोस्तों ये कुछ फ़ायदे थे जो मैंने आप तक साझा किए मखाने को लेकर। मखाना अपने आप में अच्छा है, वेट मैनेजमेंट कराएगा, डायबिटिक पेशेंट के लिए अच्छा है, प्रेग्नेंट महिलाएं उनके लिए अच्छा है, व्रत में आप इसका सेवन कर सकते हैं। और सेवन करने के लिए एक इसकी अच्छी विधि ये है कि जैसे मैंने बताया दूध के साथ आप इसका सेवन करिए, या सामान्य जब आप व्रत नहीं रखने हैं तो आप जौ के आटे में, सोयाबीन के आटे में या जई के आटे में मिलाकर इसका सेवन कर सकते हैं, रोटियां बनाकर इसको खा सकते हैं। बेहद फायदेमंद होगा आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का कंटेंट था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।